हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। असेंबली में बच्चे सुबह सुबह ये पीटी और ड्रम के साथ में करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग वर्कबुक में, ग्रेड फोर क्लास फोर में वर्कबुक में आज हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 66 माई फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए काव्या पढ़िए जल्दी से, फर्स्ट लाइन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसा ही चाहिए पढ़ने में। चलिए अगली लाइन पढ़ो। हाँ हाँ पढ़ो, वेरी गुड। चलिए दूसरी लाइन। हाँ रुद्र, वेरी गुड। चलो तीसरी लाइन सिखा। वेरी गुड। चलो चौथी लाइन काव्या, फोर्थ लाइन। हेयर इज ग्रैंड फादर। हाँ सिट डाउन। चलो हाँ नैन्सी पढ़ो। ग्रैंड मदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब तुम लोग पढ़ने लगे हो, शाबाश। चलिए अगली लाइन में अब हम लोग हमारे साथ में बोलेंगे राइट सेंटेंसेस। अच्छा सभी लोग किताब में उंगली रख लो, है ना, प्रॉपरली किताब में आपकी उंगली होनी चाहिए। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। हाँ अब वो कह रहे हैं राइट सेंटेंसेस, आपको एक वाक्य लिखना है, राइट मतलब लिखो, सेंटेंस मतलब वाक्य, यूजिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। मतलब ये जो पिक्चर में दिए गए हैं ना, देखो एक तरफ स्विंग दिया हुआ है, एक तरफ सीसॉ दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। ठीक, तो कैसे बनेगा सेंटेंस बनाओ जल्दी। वेरी गुड, सीसॉ। ठीक है, बहुत सरल है। हाँ बहुत बढ़िया साहब, आप तुम लोग तो भैया एक्सपर्ट हो गए हो। ठीक है, बहुत अच्छा, दिस से सेंटेंस शुरू होके बन जाएगा, दिस इज ए स्विंग और दिस इज ए सीसॉ। ठीक है, चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। तो ये सेंटेंस बन गया, दिस इज ए स्विंग और दिस इज ए सीसॉ। जिसके पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके चलिए, अरे वाह, तुम लोग तो भाई बहुत एक्सपर्ट हो गए, हमें भी पीछे छोड़ दिया, शाबाश। चलिए अब एक जन खड़े होकर पढ़ लेंगे ना, ओजस पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा चलिए आप जल्दी से अब सभी लोग हमारे साथ में बोलेंगे रिपीट आफ्टर मी। ओके, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ते थे, क्वेश्चन क्यू बनाए ना, क्यू बनाए तो क्यू को पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। हाँ हाँ, उंगली रख के पढ़ने से देखो कितनी जल्दी याद हो जाता है, कितनी जल्दी आप पढ़ना सीख गए। ठीक है, हाउ मैनी मतलब कितने, ठीक है, मेंबर्स मतलब सदस्य, आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, देयर आर 10 मेंबर्स
इन द फैमिली, इन द फैमिली। वो कह रहे हैं कि परिवार में कितने लोग हैं? 10। 10 कितने हैं? 10। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन, हाउ मैनी, तो सब में आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन है सब में हाउ मैनी है ना? हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी, सब में हाउ मैनी से शुरू हो रहा है ना क्वेश्चन सारा। तो जल्दी से सारे हाउ मैनी को सर्कल कर लो, हाउ मैनी को सर्कल कर लो जल्दी। जितने भी चार है ना, दोनों को एक ही सर्कल में ले आओ, है ना? हाउ मैनी क्या लिखा है? नहीं, अब चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हमारे साथ में। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? हाँ, आपके, अच्छा आप वो कह रहे हैं कि परिवार में मेल मेंबर्स, मेल मतलब जो पुरुष वाले सदस्य हैं वो कितने हैं? ठीक है, तो कितने लिख दें? हाँ, कितने आदमी एक घर में? नहीं, पूरे में 10 है। अब उसमें से कितने आदमी है? 5 लिख देते हैं। चलो तो अभी हम लोग लिखते हैं। अच्छा दूसरा और क्वेश्चन समझ लो, फिर उसके बाद साहब के आंसर हम लोग एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? हाँ, आप परिवार में कितनी औरतें हैं? ठीक है, पहले प्रश्न में पूछा है मेल मतलब पुरुष कितने हैं, आदमी कितने हो, दूसरे में कितने हैं? हाँ, अब देखो हाउ मैनी, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द फैमिली? हाँ, अब वो कह रहे हैं कि परिवार में बच्चे कितने हैं? हाउ मैनी ओल्ड मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? हाउ मैनी ओल्ड मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? हाँ, चलिए अब यहाँ पर देखो कि अब यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ चित्र बना हुआ है, अपने परिवार के बारे में नहीं बताना है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेल मेंबर्स, देखो यहाँ पे आदमी के लोग कितने हैं, जल्दी गिनो। नहीं, पूरे सदस्य हैं 10। अरे हमने बोला, क्या बोला है? मेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स मतलब आदमी, जल्दी गिनो। यहाँ पे दूध है, 1, 2, 3, 4 5 है, उसको भी मेल में गिनेंगे। ठीक है, फिर फीमेल कितनी हो गई? तो 5 मेल हो गए और 5 फीमेल हो गए। फिर हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर, अब बच्चे कितने हैं? 2। और हाउ मैनी ओल्ड मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, बूढ़े आदमी कितने हैं? 2। कौन कौन है? ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ठीक है, तो अब हम लोग वहां से क्वेश्चन के आंसर लिख लेते हैं ब्लैक बोर्ड से देख के। तो देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन के आंसर है वो सारे देयर से शुरू हो रहे हैं, है ना? सब में क्वेश्चन किस वर्ड से शुरू हुए थे? हाउ मैनी से। क्वेश्चन किस वर्ड से शुरू हुए थे? हाउ मैनी से। और आंसर किस वर्ड से शुरू हो रहा है? देयर से, है ना? बच्चे ठीक ढंग से लिख पाए इसलिए 4 लाइन की तरीके से, 4 रूल की कॉपी की तरह 4 लाइन खींच करके उसमें मैंने इंग्लिश लिखी है। अब ये बच्चे आ गए हैं नो अपनी बुक में काम करके चेक करवाने के लिए। आज बिल्कुल सही काम किया है, बहुत ही अच्छा लिखा। ऐसा लिखना चाहिए ना 4 रूल वाली कॉपी पे। बच्चों का तुरंत ही काम चेक कर दें और चेक करते समय उन्हें उनकी गलतियां भी बताते हैं ताकि अगली बार वो उनसे गलतियां ना हों। आज थोड़ा सही लिखा।
जो मेंबर्स की स्पेलिंग एक साथ थी ना, मी गड़बड़ हो गई ना, ध्यान देके काम करो। जे मे फीमेल और मेल, जो टी जैसा काट क्यों दिया, फीमेल की स्पेलिंग गलत, चिल्ड्रन में एल खा गए। देर आर टू, एक साथ जो वर्ड एक साथ है वो एक ही साथ। मेट एल है कि टी है वहां है, और देखो हमने चार लाइन खींची फिर भी वही गड़बड़ तुमने, जो एक दो तीन चार, चार हाँ वेरी गुड, आज बहुत सही लिखा तुम लोगों ने। जी एल है, इधर नहीं लिख रहा तुम्हें एल, टी जैसा क्यों बना रहे तुम लोग। बच्चों को इस तरीके से करवाया ब्लैक बोर्ड पर काम, और आज मैंने चार कविताएं लिखवा दी शेप्स की, वृत्त, वर्ग, आयत और त्रिभुज की, जो कि बच्चों ने, कुछ बच्चों ने तो हाल के हाल ही याद करके सुना भी थी। सूरज देखो, चंदा देखो, मम्मी जी की बिंदिया देखो, सभी हैं, सभी हैं, सभी बने हैं गोला का, यही है व्रत का आकार। वेरी गुड। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 15 पैटर्न्स बुक में, क्लास 5 में, और पेज नंबर है 51, हेलेन केलर की कहानी। ठीक है, चलिए टॉपिक क्या है, कहानी का स्टोरी का नाम क्या है, हेलेन केलर। ठीक है, ये एक ऐसी कहानी है जो कि आपको मोटिवेट करेगी, मतलब आपको प्रेरणा देगी कि देखो कि अगर आप में कोई अक्षमता है, कोई किसी प्रकार की कोई कमी है शारीरिक रूप से, लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि हमें कुछ करके दिखाना है तो आप कुछ भी कर जाओगे। ठीक है, और अगर आप सारा खेल सोच का है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये कितनी, किस तरीके से हमें ये कहानी मोटिवेट कर रही है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। हाँ, यह समर की समर मतलब गर्मी की 1880 की क्या है बात है। ठीक है, A healthy baby girl was born in a small town in Alabama। हाँ, अलबामा के एक छोटे से टाउन में, मतलब कस्बे में, एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। ठीक है, जब वो पैदा हुई तब बिल्कुल स्वस्थ थी। Her parents loved her dearly and named her Helen Keller। हाँ, किताब में उंगली रख के पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके जो माता पिता थे उसको बहुत प्यार करते थे, और उसका प्यार से नाम क्या रखा, हेलेन केलर उसका नाम रख दिया। One day, the baby fell ill. एक दिन, जो बेबी थी, बच्ची थी, वो बीमार पड़ गई। Fell ill मतलब बीमार पड़ गई। Her fever stayed high. उसका जो बुखार था बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा बुखार था उसको। ठीक है, The parents tried their best to help her get better। हाँ, और जो उनके माता पिता थे उन्होंने बहुत कोशिश की। ठीक है, बहुत कोशिश की अपनी, जितनी अच्छी से अच्छी कोशिश कर सकते थे कि इसका बुखार सही हो जाए, ये सही हो जाए। They were disappointed and said,
हाँ वो निराश हो गए, डिसअपॉइंट मतलब निराश हो गए, और उन्होंने कहा देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू द बेबी मे नॉट लिव। अब क्या बोला उन्होंने कि अब जितना भी हम जो कुछ कर सकते थे अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, और अब जो बच्ची है वो बचेगी नहीं। उन्होंने सोच लिया कि अब जो बच्ची बचेगी नहीं। फिर क्या हुआ, हेलेन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। हाँ तो जो हेलेन थी वो बच तो गई, लेकिन जो अपनी बीमारी के बाद जो उसकी हालत थी वो वैसे पहले जैसी स्वस्थ नहीं रही। Something is very wrong. जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। At last they found out what was wrong. अंत में उसे उन लोगों को पता चला कि आखिर गलत क्या हुआ है। The child was unable to see and hear. हाँ वो बच्ची क्या क्या हो गई, सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, दो काम हो गए उसके, ठीक है, बीमारी के बाद। The baby grew up. बेबी जो थी, बच्ची जो थी वो बड़ी हो रही थी, ठीक है, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। Her parents felt sorry for her. उसके माता पिता को उसके लिए बहुत दुख हुआ। दाऊ, देखो ये जो वर्ड लिखा है ना, इसको पढ़ते हैं दाऊ, सर्कल कर लो इसको। दाऊ हेलेन कुड नॉट सी एंड हियर She was a bright little girl. हाँ, जो यद्यपि, ठीक है, दाऊ का मतलब होता है यद्यपि, हेलेन सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी एक वो बहुत अच्छी लड़की थी, छोटी सी लड़की थी। People thought Helen could not learn anything. But her mother did not agree. लोगों ने सोचा कि हेलेन जो है अब कुछ वो सीख नहीं पाएगी, तो लेकिन उसकी जो माँ थी वो इस बात से सहमत नहीं हुई कि फिर क्या हुआ, She always thought how they could teach her. हाँ, वे सदैव सोचती थी कि हाउ दे कुड टीच हर, वे उसको कैसे सिखा सकती हैं, ठीक है। Helen began to grow wild. अच्छा, हेलेन ने क्या कर दिया, अब वाइल्ड मतलब जंगलियों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया उसने। She would not let anyone do anything for her. हाँ, अब वो क्या कर रही थी कि किसी को भी अपना कुछ भी काम नहीं करने दे रही थी, ठीक है। Her clothes were always dirty. हाँ, उसके कपड़े हमेशा कैसे रहते थे, गंदे। She was often angry. हाँ, वह हमेशा गुस्से से भरी रहती थी, गुस्सा दिखाती रहती थी। Sometimes she even lay on the floor. And kicked her feet. हाँ, sometimes मतलब कभी कभी शी विल ले ऑन द फ्लोर, कभी कभी वो फर्श पर लेट जाती थी, जमीन पर, और अपने पैर से किक करती रहती थी ऐसे ऐसे बस, ठीक है। Her parents soon found a teacher for her.
हाँ, उसके माता पिता ने जल्दी ही उसके लिए एक टीचर ढूंढ ली। कौन ढूंढ ली? टीचर मतलब शिक्षक ढूंढ लिए। एक शिक्षिका मिस सुलीवन, क्या नाम था उनका? हेलेन केलर की टीचर थी, उनका नाम था मिस सुलीवन। ए यंग टीचर प्रॉमिस्ड टू हेल्प हेलेन केलर टू सी द वर्ल्ड। हाँ, एक छोटी मतलब कम उम्र की टीचर थी वो, उन्होंने वादा किया उनके पेरेंट्स से कि वो उसको पढ़ाने में सिखाने में हेलेन केलर की जो उसकी मदद करेंगी सारी दुनिया को दिखाने में, जबकि लेकिन वो देख नहीं सकती थी अब, लेकिन देखते हैं कि उसकी टीचर कैसे उसको हेल्प करती है हेलेन केलर को। मिस सुलीवर गेव हेलेन ए डॉल। अच्छा, जो मिस सुलीवन थी उन्होंने उसको क्या दे दिया? एक डॉल, एक डॉल दे दी, एक गुड़िया दे दी। और सी स्पेल्ड द वर्ड, हाँ, डी ओ एल एल विथ हर फिंगर्स ऑन हेलेन्स हैंड। अच्छा, उन्होंने क्या किया? अब सी स्पेल मतलब उनकी जो टीचर थी उन्होंने उस गुड़िया को दे दिया। अब टच तो कर सकती थी ना, मतलब छू तो सकती थी, ठीक है, तो छूने को उसे गुड़िया दे दी, डॉल दे दी। और उसके बाद उसके जो हाथ था उसके हाथ पर अपनी उंगली से लिख दिया डी ओ एल एल, ऐसा लिख के उसको बताने की कोशिश की कि यह क्या है, डॉल है। She made the letter with special hand sign। हाँ, अब क्या किया उन्होंने, एक जो ये जो मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है, जिनको सुनाई नहीं देता है, तो ऐसे लोगों को दृष्टि बाधित बोलते थी ना वो हेलेन के ना, और बस केवल सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, तो उनको इनकी भाषा अलग होती है, ठीक है। और ये जो इनकी किताबें भी होती हैं उसमें ब्रेल लिपि में लिखा होता है। ब्रेल लिपि कैसी होती है? थोड़ी उभरी हुई, उसमें छेद छेद से रहते हैं और आप वो लोग उसको टच करके ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। उसको शायद आपकी जो हमारा परिवेश वाली बुक है उसमें ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया है कि कैसी किस तरीके की होती है, उसमें साइन भी होते हैं, ठीक है, कि किस चीज को आ कहेंगे, किस चीज को ए कहेंगे, ठीक। हेलेन कॉपीड हर टीचर। अब हेलेन ने क्या करना शुरू कर दिया? अपनी जो टीचर थी उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। कॉपी करना मतलब जैसे टीचर करती थी वैसे ही वह हेलेन करती थी। एंड स्पेल डी ओ एल एल। हाँ, तो अब वो बोल तो सकती थी ना, तो उन्होंने क्या किया, जो हेलेन थी उसने अपने टीचर को देख करके बोला डी ओ एल एल, ठीक है, बट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। बस उसने हेलेन केलर ने टीचर की नकल तो उतारी लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था, है ना, वो तब तो इतनी छोटी सी थी। फिर क्या हुआ? द टीचर हेल्प हेलेन टू स्पेल ए लॉट ऑफ वर्ड्स। हाँ, इसी तरीके से जो हेलेन को इसी तरीके से उनकी टीचर ने काफी सारे वर्ड्स सिखा लिए। वन डे एक दिन द टीचर मेट हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। हाँ, एक दिन क्या हुआ, हेलेन ने जो टीचर थी उन्होंने हेलेन का हाथ लेकर के उन्होंने क्या किया, रनिंग वाटर मतलब कि नल में से पानी बह रहा है और उसके नीचे उसका हाथ ऐसे कर दिया, ठीक है। शी स्पेल्ड डब्ल्यू ए टी ई आर
Helen understood. Helen understood that water means mint. Something wet. Something wet. Running over. Running over her hand. अच्छा अब जैसे क्या किया उसके हाथ के ऊपर नल चल रहा है और उसके नीचे उन्होंने उसका हाथ कर दिया तो she spelled. अब क्या स्पेलिंग बता दी उसको WATER स्पेलिंग बता दी. अब समझिए हेलेन कि ये क्या है जब कोई अपने हाथ पर कुछ गीला गीला सा और उस पे हाथ पे पड़ रहा हो मतलब और बह जा रहा हो. रनिंग मतलब आया और चला गया ठीक है उसको बोलते है रनिंग. ठीक तो इस तरीके से जब हाथ पर पड़े तो ये क्या है वॉटर है. क्या है water. दिखाई तो दे नहीं रहा था. अब वो क्या कर सकती थी केवल महसूस कर सकती थी है ना. फिर क्या हुआ she understood that words were the most important things in the world. हाँ अब वो समझी कि जो शब्द है दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है. ठीक है अब वो समझ गई कि जो शब्द है वो इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है. जैसे कि अगर हम बोल पा रहे हैं आपसे तो हम आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं है ना. और अगर मान लीजिए ये हम और आप इस तरीके से नहीं बोल पाते तो आप हमारी बात समझ नहीं पाते है ना कि हम क्या बोल रहे हैं. वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. हाँ वर्ड्स वुड टेल हर और जो शब्द है वो सब कुछ बता देंगे जो कुछ भी वो जानना चाहती है. हेलेन केलर became the first deaf blind person to earn a bachelor of arts degree. हेलेन केलर जो थी पहली महिला थी ऐसी जिन्होंने बीए की पढ़ाई पढ़ी थी उस टाइम में. ठीक है पहली दुनिया की सबसे पहली ऐसी महिला थी जो सुन नहीं सकती थी देख नहीं सकती थी लेकिन उन्होंने क्या पढ़ लिया था डिग्री बीए. क्योंकि उस टाइम में वैसे तो लोग महिलाओं को पढ़ाते नहीं थे है ना. और लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या बहरे और दृष्टि होने के बावजूद भी उनने पढ़ाई अपनी कहाँ तक कर ली थी बीए तक. ठीक है बीए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स. ठीक है चलिए इसके वर्ड मीनिंग्स हो ही गए. चलो अब जल्दी जल्दी सर्कल करते जाना जो जो वर्ड हम बोलते जा रहे हैं. पहले टॉपिक हेलेन केलर SUMMER was healthy baby girl. पूरे चार शब्द आ जाएंगे ये healthy baby girl एक ही साथ. क्लास 2, 3 और 4 को मैंने ये चारों कविताएं लिखवा दी और बच्चों को मैथ में करवाया सम्स दे दिए कुछ और कुछ काउंटिंग्स लिखवा दी ताकि बार-बार उनका रिवीजन होने से उनको चीज़ें अच्छे से रिपीट से वो पक्के हो जाएं. और क्लास 2 में लिखवाया मैंने पाठ 17 हमारे सहयोगी के प्रश्नोत्तर और बच्चों ने उनको पक्षी देखे हैं, तोता, उत्तर बोलो पहले, उत्तर.
प्रश्न दो, स्वस्थ उत्तर उत्तर सवाल जल्दी उठते हैं उत्तर सवाल जल्दी उठते हैं रात को जल्दी सोते हैं ताजा एवं पौष्टिक रहा जा सकता। क्योंकि चांद पर रहने लायक वातावरण नहीं है। वेरी गुड। क्लास टू में थोड़ा सा इंग्लिश का भी काम करवा दिया, थोड़ा इस तरीके से एप्पल और जो मैंगो बना करके शेप्स में उसमें राइमिंग वर्ड्स लिखवा दिए ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके और पढ़वा दिया, और इस तरीके से फोर्थ क्लास में ये सारे सब्जेक्ट्स का काम भी दे दिया। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।